उत्तराखंड में जहां एक तरफ चार धाम यात्रा अपने चरम पर चल रही है तो वहीं दूसरी तरफ कांवड़ यात्रा को लेकर भी तैयारियां तेज हो चुकी हैं। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि कांवड़ यात्रा के दौरान कांवड़ियों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की जाएगी। वहीं यात्रा को लेकर अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि चार धाम यात्रा के बाद आगामी शुरू होने वाली कांवड़ यात्रा को लेकर सतपाल महाराज ने कहा कि सभी तैयारियां करने के लिए हरिद्वार जिला प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं और आने वाले सभी कांवड़ियों के ऊपर हेलीकॉप्टर के माध्यम से पुष्प वर्षा की जाएगी। कोरोना के कारण 2 साल के बाद कांवड़ यात्रा शुरू होने जा रही है।